एटी न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम एटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। आज दिनांक 20/6/2019 को जन जागरण जन क्रांति अभियान के आगाज के साथ हराई झील दरभंगा के घाट किनारे कार्यक्रम हुआ। रवि के पटवा फिल्म निर्देशक लेखक निर्माता सह अम्बेडकर संस्था राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू बुनकर समाज ने कहा कि हम दरभंगा मिथिला को ग्रीन सिटी बनाने को संकल्पित हैं। भगवान श्री कृष्णा एवं गणमान्य लोग आम जनता की अनुकंपा हमें पूर्ण रूप से प्राप्त है। इतिहास में ये दर्ज होगा कि दरभंगा मिथिला वासियों ने मिलकर अपने हाथों से अपनी तकदीर लिखी और जन संकट का स्थायी निदान प्राप्त किया। मिथिला का अनुदान पूरा भारत समस्त विश्व करेगा। सेवानिवृत्त आईएएस शिवजी चौपाल ने कहा कि हम रवि के पटवा जी इस अद्भुत कार्यक्रम को पूरा कराने का कृत संकल्प है। उन्होंने कहा, महान समाज सेवी बी के पटवा साहेब के सपनों को उनके ज्येष्ठ पुत्र रवि पटवा पूरा कर रहे हैं। प्रचार अभिधानक झा ने कहा कि श्री पटवा की क्रांति के हम साथ हैं, हम मिथिला दरभंगा को हरा शहर बनाकर रहेंगे। प्रसून बनर्जी ने कहा कि रवि के पटवा के द्वारा किया गया यह अभियान अतुलनीय है और इसका जनता तहे दिल से स्वागत कर रही है। उन्होंने कहा कि ज्ञान पुष्प फाउंडेशन उनके जल जागरण जन क्रांति अभियान में शुरू के साथ और आगे भी साथ देती रहेगी और पर्यावरण के संरक्षण के लिए नया संभव सहयोग रहेगा। फवादी गजाब के बताए कि जिस प्रकार हरारी पोखर के निकट वृक्षारोपण किया गया है, उन गुप्त बातों को करते हुए उपरांत धरातल पर काम करने दूर भगाते हैं। यह वृक्षारोपण का कार्यक्रम का कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और लोगों का सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा। इसी का परिणाम है कि आज छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बलराम ने कहा कि दलित समाज की मसीहा बी के पटवा के आत्मा अपने पुत्र के कार्य को देखते हुए गदगद होगी। नारायण सिंह चौधरी ने इस अभियान को साधुवाद किया। उन्होंने कहा कि यह बड़ी विडम्बना है कि बात की एक तरफ प्रशासन हरारी के संरक्षण और सौंदर्यीकरण की बात करती है और दूसरी ओर पोखर के पूर्वी और दक्षिणी तट के 6 माह से चल रही अधिक्रमण में खामोश है। इस कार्यक्रम में आर के दत्ता साहब दलित समाज के प्रमोद चौधरी नेता ऑटो चालक यूनियन एकता दास सैयद आलू की जमा मोहम्मद दिलशाद निलेश पासवान पूनम पासवान सुरभि शाह बसंत कुमार राशि चंद्रमान सुधीर कुमार अनुपम जीत आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उक्त कार्यक्रम बी के पटवा राधा राम मेमोरियल पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट दलित स्वराज महिला संगठन मिथिला जल संरक्षण कमेटी के तत्वाधान में किया गया। जल जागरण जन क्रांति अभियान के तहत हम लोगों ने वृक्षारोपण जो 1 लाख वृक्षारोपण का दरभंगा में संकल्प है और 1 लाख वृक्षारोपण का संकल्प हमने पूरे मिथिला के लिए किया है, यानी दरभंगा के ग्रामीण क्षेत्र हुए, गांव हुए, पंचायत स्तर तक लगाया जाएगा। हम दरभंगा को हरा भरा शहर बना के रहेंगे, हरा भरा क्षेत्र बना के रहेंगे, ये हम संकल्पित हैं। और इसके लिए भगवान श्री कृष्ण जो ब्रह्मांड के विधाता हैं और गणमान्य जो हमारे नागरिक हैं और आम जनता का भी की अपूर्व अनुकंपा हमें प्राप्त हो रही है। अब एक दिन तारीख ये लिखेगा, इतिहास ये बताएगा कि दरभंगा और मिथिला के लोगों ने जब संकल्पित भाव से कसम खाई, संकल्प लिया, तो मिथिला की तकदीर उन्होंने अपने हाथों से बदली और ये मैसेज पूरे विश्व में जाएगा। मिथिला एक अनुकरणीय स्थान पूरे विश्व में बनेगा। नाम बताओ। इसी संस्थान के सहयोग से वृक्षारोपण कर रही है आप? ये वृक्षारोपण वीके पटवा राधा रानी मेमोरियल पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट अंबेडकर संस्थान एवं हिंदू बुनकर वस्त्रकार समाज एवं आपको दलित स्वराज महिला संगठन एवं ज्ञान पुष्प फाउंडेशन, ये सब मिलके हम लोग कर रहे हैं। मिथिला जल संरक्षण कमेटी, ये हम जिसके अध्यक्ष हैं और ये संरक्षक मंडल के लोग हैं, इन सब के साथ पूरी कमेटी कार्यरत है। हम हर मोहल्ले में कमेटी स्थापित करते हैं। पोखर के भिंडे पर पचवाड़ी भिंडे पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। रवि पटवा जी जो हैं दरभंगा के, उनके नेतृत्व में, उन्हीं की प्रेरणा से ये एक बहुत ही अच्छा काम है। अंग्रेजी में एक कहावत है, दो दिस बी मैडनेस येट देयर इज मेथड इन इट, ये एक तरह का पागलपन है और जब जुनून सवार होता है आदमी को तभी इस तरह का काम करता है। अब 1 लाख वृक्ष लगाने का जो इन्होंने प्रण किया है, हम लोग जहाँ तक संभव होगा उसमें इनके साथ हैं और दरभंगावासी इस बात को समझ रहे हैं। कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसमें हम सहयोग, बहुत ही पुण्य का काम है।
एक वृक्ष दस पुत्र समान। वृक्ष की बहुत महत्ता है। आज जो ये संकट हो गया है जल का, इसका समाधान इसी रास्ते से संभव है। इसीलिए भले ही यह पादपोषण हो लेकिन कायदे का पादपोषण, इसीलिए इस काम में हम लोग लगे हुए हैं। यहाँ तक संभव होगा नहीं ना, फोटो आ रहा है उसका, देखता नहीं। सर अपना शुभ नाम बता दीजिए। प्राइमेटी न्यूज के लिए दरभंगा से सुजीत कुमार।